हेलो दोस्तों, मैं परमिता करती हूँ आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल परमिता होम गार्डनिंग में। देखिए, आज ये गार्डनिंग से रिलेटेड मैं आपके लिए एक कोकोपीट दिखा रही हूँ। देखने में तो ऐसा लगेगा जैसे काउडंग कंपोस्ट हो, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे गार्डन में, इसका रोल भी कोकोपीट का। तो आज उसी को यूज़ करना आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से उसको यूज़ करना है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो आप सभी तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि कोकोपीट को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, मैं ये 1 kg लाई थी, इसके जो 5 kg के भी पैकेट आते हैं, लेकिन मैं ये खुले में ही लाई थी क्योंकि मुझे सीड्स ग्रो करने हैं जो कि मैं मंगा चुकी हूँ अमेज़ोन से, आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ वो वीडियो, और अब उन सीड्स को ग्रो करने के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो ये देखिए, इस तरह का सूखा हुआ हिस्सा होता है, ऐसा मैंने गीला कर लिया था, फिर बाद में याद आया कि चलो वीडियो बना लेती हूँ इसके ऊपर भी कि कैसे इस्तेमाल करना है। तो आपको डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करना है कोकोपीट, इस तरीके से देखिए मैंने पानी में भिगो दिया है, आप देख सकते हैं ये, और इसे 5 से 10 मिनट मैंने इसे भिगो के रखा है। जो छिलका होता है नारियल का, उनको पीस कर ये कोकोपीट बनाया जाता है, और फिर इसे पानी में इस तरीके से हम भिगो देंगे। और देखिए, ये इस तरीके का हो जाता है, ऐसे आप इसको पानी को बिल्कुल पूरी तरीके से इससे निकाल देंगे, ऐसे मुट्ठी बंद करके देखिए, और ये बिल्कुल खिला खिला हो जाएगा। उसके बाद हम 2 बार इसको पानी में निकालेंगे, एक बार तो भिगो चुके हैं, इसके बाद इसको निकाल के फिर दोबारा से पानी में निकालेंगे, तब इसको किसी आप बोरी या फिर किसी पे भी कपड़े पे सुखा दीजिए, और पूरी तरीके से जब ये सूख जाए तभी इसको यूज़ कीजिएगा। करते हैं इसका आगे का प्रोसेस। तो देखिए, मैंने ये सब धुल के ये कोकोपीट इधर निकाल दिया है, आप देख सकते हैं। धुलने के बाद इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है, जबकि ये 1 kg ही था, और इसका इस्तेमाल हम एक तो सीड्स ग्रो करने में करते हैं, दूसरा अगर हम बास्केट तैयार कर रहे हैं तो उसमें भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल हमें बास्केट में लाइट वेट के लिए करना चाहिए, ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके रखता है और ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें, और अच्छे से सीड्स ग्रो हो जाती हैं और हमारे पेड़ पौधे भी बहुत अच्छे से चलते हैं। तो इसके लिए हमें कोकोपीट का इस्तेमाल करते हैं हम, और इसको तैयार जैसे मैंने आपको दिखाया, देखिए ये मैंने धुल के इस तरह से निकाल लिया है आपको सुखाने के लिए। इसको 1-2 दिन तक हम सुखाएंगे, और बाकी जो ये बचा है इसको हम किसी छन्नी की मदद से या धीरे धीरे इस तरीके से हाथों की मदद से इसे ऐसे निकाल लेते हैं सभी को। तो अधिकतर मैंने इसमें से ज़्यादा, देखिए मैंने इसको निकाल लिया है पूरी तरीके से, और जो ये नीचे बचा है ना, क्या होता है कि कभी क्या गलती करते हैं कि जो पानी बचा है हम सोचते हैं ये तो बहुत अच्छा होगा, अपने पौधों में दे देंगे इसको, तो ये हमारे जो पेड़ पौधों को ख़राब कर देता है, क्योंकि ये ज़्यादातर समुद्र के किनारे ही तैयार किया जाता है कोकोपीट, और इसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से इसको हम धो के तैयार करते हैं, जो एक्स्ट्रा नमक होता है या इसमें एक्स्ट्रा गंदगी होती है वो निकल जाती है। जैसे देखिए ऊपर पानी आया हुआ है इसके, बिल्कुल पूरी तरीके से मैंने इसको निकाल दिया है, और जैसे ही देखिए मैं इसको तो मैं डाल दूँगी, ये देखिए जो हमारा अच्छा जो ऊपर का जो ऊपर तैर के आ गया था हमारा कोकोपीट, वो बहुत अच्छा था, लेकिन इसका पानी हमें बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना है अपने पौधों में, इसको डाल देना है, देखिए, और नीचे जो है ये सब ख़राब है, ये देखिए ये नीचे बैठ चुका था तो ये ख़राब है, इसको भी इस्तेमाल नहीं करना है हमें, इसको डाल देना है अलग। अगर हम खाद तैयार कर रहे हैं तो उसमें भी हम इसको डाल सकते हैं, क्योंकि खाद की मात्रा जब ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार होती है हमारी तो उसमें ये डाल सकते हैं हम, लेकिन इसको हमें डायरेक्ट पौधों में नहीं देना है। ये देखिए ये सब ख़राब है, इसको हम एक्स्ट्रा में फेंक, जो निकला है हमारा वो फेंक देंगे, और जो हमारा अच्छा वाला कोकोपीट निकला है वो ये है, ये देख सकते हैं आप, इसको हम सुखाएंगे पूरी तरीके से धूप निकलने के बाद, 1 या 2 दिन की धूप लगाएंगे इसमें, और इसको सुखा के तभी हमें अपने पौधों में इस्तेमाल करना है, अगर हम सीड्स लगा रहे हैं तो भी, और अगर हम कोई प्लांट लगा रहे हैं तो भी। तो बस यही जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी, फिर मिलती हूँ किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।